सो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसे नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो दोस्तों पेज को फॉलो करना मत भूलना, ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे जो है डिपेंड करता है, किस टॉपिक पे आधारित है। सो डियर फ्रेंड्स, थंबनेल में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप एचपी गैस के कस्टमर है, यानी कि अगर आपका जो है एलपीजी सिलेंडर एचपी का है, तो आज के वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एचपी पे, यानी कि जब हम दोस्तों मोबाइल के थ्रू, जब हम नंबर के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू जब हम एचपी सिलेंडर को बुक करते हैं तो एक मैसेज रिसीव होता है और उसमें एक लिंक होता है, उस लिंक पे क्लिक करके लिखा हुआ होता है कि इस लिंक पे क्लिक करें, एचपी पे इंस्टॉल करें एप्लीकेशन को, उसमें रजिस्ट्रेशन करें और उसके थ्रू आप यूज करें, सिलेंडर बुकिंग करना हो या फिर पेमेंट करना हो या फिर कोई भी आपको उसके बारे में इंक्वायरी करनी हो। तो आज के वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पे है, मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस एचपी पे रजिस्ट्रेशन का और उसके बाद बुकिंग का, पेमेंट का, सारा चीज मैं आपको आज के वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो में तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। कोई भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है दिक्कत, एक चीज में दिक्कत लोगों को आती है कि एक जो हमारा कंज्यूमर आईडी होता है, दोस्तों कंज्यूमर आईडी हमारे दो होते हैं। एक तो होता है दोस्तों जो हमारा 6 डिजिट का होता है, जो कि हमारे जो है गैस कनेक्शन के पासबुक पे एंट्री होता है, लेकिन जो मेन एलपीजी आईडी होता है वो दोस्तों आपको जो है जो स्लिप मिलती है, पर्ची मिलती है बुकिंग करने के बाद, जो आपको डिलीवरी मैन देता है उस पर मेंशन होता है, या फिर आप जब लॉग इन करते हैं तो आपको एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई मिस गाइड हो जाए, आपको जो गलत मैसेज मिल जाए, गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मोबाइल के स्क्रीन में ले जा करके मैं आपको सारा बताने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन का, पेमेंट का, सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आइए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में। तो डियर फ्रेंड्स, मोबाइल के स्क्रीन में आ गए हैं और अब सबसे पहले आपको एचपी पे एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेना है। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से फटाफट से जाके एचपी पे ऐप को इंस्टॉल करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो सबसे पहले आपको न्यू यूज़र हैं अगर आप, तो यहाँ पर न्यू यूज़र पे अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए जो है मैं यहाँ पर डालता हूँ, तो यहाँ दिखा रहा है कि मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि दोस्तों मेरा जो है एचपी गैस के ऐप में रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू यूज़र पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आर यू एग्जिस्टिंग एचपी गैस कस्टमर, तो यहाँ पर हम यस करेंगे। अगर आप एचपी के कस्टमर हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है यस पे क्लिक कर देना है। और जो आपका एचपी गैस के कनेक्शन में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, लिंक है, वो आपको यहाँ पर जो है एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया, मेरा जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है नाम आ गया है, नाम, डेट ऑफ बर्थ आ गया है, यहाँ पिन कोड आ गया है। और अब क्या करना है दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपना यहाँ पर लास्ट नेम भी अपडेट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं अपडेट करना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है अपना लास्ट नेम भी अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, जो नीचे कैप्चा कोड यहाँ पर शो कर रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे का प्रोसेस जो है बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पर जो है सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने से पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर जो है मोबाइल नंबर के सामने जो है वेरीफिकेशन का ऑप्शन एक आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर का जो वेरिफिकेशन का दिख रहा है दोस्तों, इसको जो है वेरीफाई करना पड़ेगा विद ओटीपी। तो यहाँ पर इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं और देखते हैं। लास्ट नेम में मैंने हटा दिया था तो मैं दोबारा डालता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर जो है वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं ओटीपी, ऊपर देख सकते हैं रिसीव हो चुका है, और वो 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देना है। और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा सक्सेसफुली वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, और इसके बाद आपको जो रजिस्टर करने का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और अब क्या करना है दोस्तों, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से आपको ओटीपी रिसीव होगा एचपी पे की तरफ से। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो है अब एम पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया है, यानी कि 4 डिजिट का एम पिन, जो कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उस एम पिन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो क्रिएट करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करें
और यहाँ पर आपके जो है मोबाइल का फिंगरप्रिंट लॉक अगर है सेटिंग, तो इसको अगर आप चाहते हैं इसमें इनेबल करना तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। अब दोस्तों हम यहाँ पे अपने प्रोफाइल के अंदर आ चुके हैं, बट प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, कई चीज़ें नहीं होती हैं जब हम कनेक्शन लेते हैं नया, तो क्या होता है कि एजेंसी वाले सारी इन्फॉर्मेशन, हमारी सारी डिटेल्स जो है फिल नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हो अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना तो वीडियो में अंत तक बने रहें, प्रोफाइल को हम कंप्लीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोफाइल में यहां पर दिख रहा है ईमेल आईडी, तो यहां पर ईमेल आईडी मैं अपना एंटर कर दूंगा ताकि इन फ्यूचर में कोई भी अगर एचपी गैस से रिलेटेड कोई मैसेज हो, कोई नोटिफिकेशन हो, तो मुझे ईमेल पे भी रिसीव हो जाए। और ईमेल आईडी कई चीज़ों में काम आता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि आपको सेल्फ सर्विस यूज़ करना है, जैसे आपको कोई पर्ची चाहिए या फिर प्रीवियस कोई आपको स्टेटमेंट चाहिए, किसी भी तरह का कोई आपको जो है क्वेरी करना हो, तो आपको मेल पे रिसीव कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस अगर आप चाहते हैं तो एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। वैसे तो एड्रेस होता है, लेकिन एड्रेस यहाँ पर एच पी पे के एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड नहीं दिखा रहा था। एच पी गैस का जो एक ऐप आता है एच पी गैस में माई एच पी, उसमें दोस्तों सारा शो करेगा आपका, लेकिन यहाँ पर एच पी पे में मैंने पहले रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अपना एड्रेस भी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो व्हीकल नंबर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं पेबैक कार्ड नंबर, यानी कि जो एच पी पे के तरफ से एक पेबैक कार्ड नंबर जनरेट होता है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। और अब आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी आपका दिखा रहा है आपका, आप सारा प्रोफाइल जो है विद डिस्ट्रीब्यूटर नेम और डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी है एड्रेस वेड्रेस सारा चीज़ यहाँ पर, अब एलपीजी प्रोफाइल यहाँ पर सारा चीज़ सबमिट हो चुका है। अब आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली जो है जनरेट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जब हम जाएँगे तो यहाँ पर आपको जो है मेक पेमेंट, यानी कि अभी जो बुक आपने किया होगा सिलेंडर उसका अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका पेमेंट भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना हो या फिर आप जो है एलपीजी आईडी के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपना प्रीवियस बुकिंग का जो है डिटेल निकाला है, तो अब इस पर जो है मेरा प्रीवियस बुकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है और अमाउंट आ रहा है 899.50। तो यहाँ पर जो है मैसेज भी रिसीव दोस्तों होता है जब हम सिलेंडर बुक करते हैं, तो एचपी गैस की तरफ से आप देख सकते हो ये मुझे रिसीव हुआ था। और इसी में नीचे लिंक होता है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट करेगा इसी ऐप में और कहेगा पेमेंट के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो पेमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपका यहाँ पर बुकिंग नंबर वगैरह होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो आप यहाँ से अपने एच पी पे के एप्लीकेशन में से वेरीफाई करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो है गलत वो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है ऑर्डर हिस्ट्री, आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर जो भी मैंने बुकिंग हिस्ट्री है मैंने कब कब करी है, कब कब ये जो है डिलीवर हुआ है सिलेंडर, मुझे सारी जो है आपका यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको कि अब जो है पेमेंट कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरा वीडियो में तक बने रहिएगा। तो मैं पेमेंट जो है करने वाला हूं, तो मैं अपने मोबाइल नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ एलपीजी आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं कंज्यूमर नंबर के थ्रू। तो यहां पर आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो है आ रहा है ऑप्टेड डिस्ट्रीब्यूटर देवी दयाल एंटरप्राइजेस, यानी कि जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। और पेमेंट के कई सारे मेथड हैं, तो आप यूपीआई पेटीएम वॉलेट क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर पेमेंट करने के। तो यहाँ पर मेरे को जो है क्या करना है, मैंने सेलेक्ट किया था यूपीआई, तो यूपीआई में आप दोस्तों आपको फ़ोन पे गूगल पे व्हाट्सएप पे पेटीएम अदर यूपीआई ऐप्स जो भी हैं और भीम यूपीआई है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है पेटीएम। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अपना जो है पेटीएम जो है आपका यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं एक बार पेटीएम ओपन करके देख लेता हूँ कि मेरा जो है पेटीएम आईडी, कई बार क्या होता है कि मोबाइल नंबर एट द रेट कुछ पेटीएम हो या फिर कोई YBL ABL RBL बैंक जो भी होते हैं उसके भी कोड आ सकते हैं। तो मैं पहले एक बार वेरीफाई कर लेता हूं कि मेरा जो है पेटीएम यूपीआई आईडी क्या है। तो मैंने देख लिया दोस्तों, अब क्या करना है, अब सेम ये बैक चला जाता है ऑटोमेटिक। तो यहां पर दोबारा से सेम आपको जो है पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एच पी गैस में जाके
यहाँ पर जो है मेक पेमेंट में जाके अपना जो है एलपीजी या मोबाइल नंबर डाल के और यहाँ पर सेम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यूपीआई जो कि अभी किया था, फिर पेटीएम करेंगे और पेटीएम का यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल देंगे अपना जो भी है आपका मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद एट द रेट ऑटोमेटिक आ रहा है देख सकते हैं पेटीएम। और उसके बाद क्या करना है, नीचे आपको जो है ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का, तो यहाँ पर आपको सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं रीडायरेक्ट कर देगा ये आपको पे में उसमें पेटीएम के ऐप में, और वहाँ पर आपको जो है कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे कि रिक्वेस्ट हम करते हैं, आपने देखा ही होगा कई बार हम जब पेमेंट के लिए किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आया हुआ है देख सकते हैं रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर 899.50 आपके पेटीएम से कट जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई के थ्रू कट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल, और आपको जो है मैसेज भी रिसीव हो जाएगा पेमेंट का। तो यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें सक्सेसफुली हो गई है अगर आपने सिलेंडर बुक किया तो। एचपी पे में मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन करना भी और उसका पेमेंट करना भी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, कैसे कंप्लीट करना है। सो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर कोई भी हेल्प मिली हो आज की वीडियो से, इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो फटाफट से दोस्तों यारो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। और साथ में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, उसको दोस्तों लाइक और फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो मेरा देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि ऐसे नॉलेज वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के टेक और नॉलेज वाली वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।